नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एडियो का फटना। तो यहाँ पे जो हम ये फोटो में देख रहे हैं, इस तरह से ये एडियो का जो भाग होता है वहां पे जो स्किन होती है वो फट जाती है, उसी तरह से जो होठ होते हैं वो भी फटने लगते हैं। फिर तीसरा जो हम प्रॉब्लम देखे तो त्वचा पर रुखावन होना, तो यहाँ पे जो आप ये स्किन देख रहे हैं वो काफी ड्राई हो चुकी है। फिर चौथा प्रॉब्लम है कि स्किन के तरह जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो भी ड्राई होने लगे हैं। फिर पांचवा हेल्थ प्रॉब्लम हम देखे तो जो सिर में डैंड्रफ का होना, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो डैंड्रफ जो है वो बालों में बन रहा है। फिर जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर है, यानी कि पुअर इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है आपको। फिर सातवां प्रॉब्लम हम देखें तो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि बालों का दो मुहा होना, बालों का टूटना, बालों की जो चमक होती है वो कम हो जाना, बालों का डैमेज होना, बाल पतले हो जाना और बाल जो है वो बेजान हो जाना या फिर बेजान दिखना। तो इससे क्या होता है कि हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है और अच्छे से आप जो आपके हेयर है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये सातवां प्रॉब्लम है। आठवां प्रॉब्लम हम देखें तो आपको स्किन की खूबसूरती बढ़ानी है और निखार लाना है, कि चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों को ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर हार्ट की जो बीमारी है उसको होने से रोकनी है। और दसवां हम प्रॉब्लम देखे तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, कि जो लीवर है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग रहा है। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स है कि टोटल हमने 10 जैसे प्रॉब्लम्स देखे, तो ये 10 जितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली बहुत अच्छी कैप्सूल के बारे में हम सीखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, और जानेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, कैसे इसकी इफेक्ट रहती है। तो ये सभी चैप्टर्स को कवर करते हैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर। तो हम सीखने वाले हैं एवियन 600 कैप्सूल के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम विटामिन सप्लीमेंट्स की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो एवियन जो है उसका ब्रांड नेम है, और उसके अंदर रहा सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो विटामिन ई जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हम उसका लेबल देखें तो ये एवियन जो है उसका ब्रांड नेम हो गया 600, इसलिए लिखा है कि उसके अंदर जो विटामिन ई है वो 600 मिलीग्राम जितना प्रेजेंट है। और ये क्या करता है कि जो सेल होते हैं हमारी बॉडी को, उनको न्यूरिशमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्दीनेस जो है वो बढ़ाता है। तो विटामिन ई क्या है, तो ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है कि जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। इसके कारण जो आगे जो हमने जो सब प्रॉब्लम्स देखे वो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये काफी ज्यादा हमें मदद करता है। उसकी मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कि जिसको P&G हम कहते हैं, वो उसको बनाते हैं, कि जो हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड है, यहाँ पे उसका आप लॉगो देख सकते हैं, एंड इनकी इंडिया में हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो बुक है डिसीज एंड ट्रीटमेंट, तो उसको आप जरूर से परचेस कर सकते हैं, कि अगर आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है, तो काफी इजी और सरल भाषा में आप ये बुक में से ये सभी चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं। तो बुक लेने के लिए हमें व्हाट्सएप करें, यह दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं और समझते हैं यूज के बारे में। तो जो स्किन एंड हेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मसल्स एंड न्यूरॉन डैमेज हो रही है, फिर नमनेस जैसा हो रहा है, टिंगलिंग हो रहा है, मतलब कि सुई चुभने जैसा दर्द होता है, स्पेशली आपके हाथ में, आपके पैरों के अंदर सेंसेशंस कम हो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि ये क्या करता है हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, कि चाहे वो नॉर्मल स्किन के सेल्स है या फिर न्यूरॉन के जो सेल है, उनको हेल्दी रखने में काफी ज्यादा मदद करता है। विजन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज की जा सकती है, और वॉकिंग एंड कोऑर्डिनेशन की जो डिफिकल्टी, मतलब कि बैलेंस आप नहीं अच्छे से बना सकते, चलने में दिक्कत आती है, फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में सुधार कर सकता है। इसके कारण जो हमने आगे देखे और 10 जितने अलग अलग प्रॉब्लम, उसमें से एक हार्ट का भी प्रॉब्लम था, तो उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में भी काफी ज्यादा उसके बेनिफिट्स रहते हैं। फिर
फिर जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आगे हमने देखा कि एडीओ का फट जाना, स्किन रूखी हो जाना, आपके लिप्स जो है वो फट रहे हैं उसमें भी हेल्प करता है। फिर कॉग्निटिव स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है, वृद्ध जनों को भी लाभ हो सकता है, मतलब कि अगर आपकी एज 45, 50, 60 के अबव है तो वो भी ये ले सकते हैं। एंड जो फेफड़े हैं, जो लंग्स है, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी ये कैप्सूल काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित है, मतलब कि बहुत सारे उसके बेनिफिट्स है। तो लेबल अच्छे से समझिए, तो विटामिन ई के कैप्सूल से और इस तरह से एट्रैक्टिव सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स अवेलेबल है। फिर ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है और एक ब्लिस्टर के अंदर आपको 10 जितने कैप्सूल्स मिल जाते हैं। फिर उसके वर्किंग के बारे में देखिए तो कैसे ये कैप्सूल काम करती है। तो एवियन 600 कैप्सूल हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी को पूरा करके अपना काम करता है, जिससे विटामिन ई की कमी से होने वाले सभी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होते हैं। तो स्पेशली जो विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी होती है और उसके कारण होने वाले जो सभी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने में ये कैप्सूल हमें काफी ज्यादा जो है वो मदद करती है। तो उसकी डोज हम देखें खासकर तो 1 कैप्सूल पर डे के हिसाब से लेनी होती है। एक्सेसिव डोज में उसको कभी भी यूज ना करें, बिकॉज ज्यादा विटामिन ई लेने से भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। प्राइस की हम बात करें तो जो दिसंबर के अकॉर्डिंग टू जो उसकी प्राइस है 56.8 रुपीज रहेगी 10 कैप्सूल्स की। तो अराउंड एक कैप्सूल जो आपको 5 या 6 रुपए के आसपास पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा कि जो हमारी बुक है उसको जरूर से आप परचेस कर सकते हैं। बुक लेने के लिए ये वाले नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो हम साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे थे कि अगर कोई हाई डोज में लेता है तो ये सब साइड इफेक्ट्स उसको हो सकती है, जैसे कि डायरिया हो जाना, पेट में गैस बनना, कमजोरी फील करना, वीकनेस फील करना, कि अगर हाई डोज में आप ले रहे हैं, कुछ लोगों को नॉजिया वॉमिटिंग हो जाती है, विजन ब्लर हो जाती है, तो उसका जो प्रॉपर डोज है उसके अकॉर्डिंग टू ही ये कैप्सूल को लेनी चाहिए। बिकॉज उसका बेनिफिट तो है, पर ऐसा नहीं कि बेनिफिट्स लेने के लिए हम काफी ज्यादा मात्रा में उसको यूज करें, जो उसका डोज होता है वो ही लेना होता है। अब किन लोगों को ये कैप्सूल यूज नहीं करनी है, तो जिनको विटामिन के की डेफिशिएंसी है, फिर डायबिटीज के कोई पेशेंट है, फिर आपकी हिस्ट्री रही है प्रीवियस हार्ट अटैक की या फिर स्ट्रोक की, तो वो लोग यूज ना करें। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, और आईज या फिर रेटिना जो है वो डैमेज है, तो वो लोग भी ये विटामिन ई के कैप्सूल्स को यूज ना करें। फिर जो आपके हेड या फिर नेक का कैंसर है, शेड्यूल कोई सर्जरी है, मतलब कि कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद सर्जरी प्लान की है आपने, तो वो सर्जरी से पहले ये कैप्सूल को यूज ना करें। स्ट्रोक का कोई पेशेंट है, कैंसर की हिस्ट्री रही है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है, या फिर आप स्टेरॉइड हॉर्मोन्स ले रहे हैं, तो ये सभी कंडीशंस में एवियन 600 को यूज नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी कैटेगरी की हम बात करें तो उसका जो रिकमेंडेड डोज है प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन ई का, वो रहता है 22 से 30 mg पर डे। बट हमारी ये जो कैप्सूल है उसके अंदर 600 mg जितना विटामिन ई प्रेजेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज ना करें। कि अगर आपको कोई विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले और उनकी एडवाइस के बाद ही वो जो आपको सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू ही सप्लीमेंट लेने चाहिए। बट एवियन 600 को खुद से प्रेगनेंसी के दौरान यूज ना करें। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस देखें तो यहाँ पे जो हम मेडिसिन देख रहे हैं, वारफेरिन है, एसिनोक्यूमारोल है, हिपेरिन, कोलेस्टाइरामाइन के साथ ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस कर सकती है। तो अगर आप ये मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में एवियन 600 को यूज ना करें। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो भी जरूर से देख सकते हैं, कि वहां पे भी डिटेल में बीमारियों और उनके उपचार के बारे में सीख पाएंगे। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।